अब प्रधानमंत्री जी तीर कमान तीर पर कमान चढ़ गई है और आज रावण रूपी राक्षस का अंत हो रहा है। रावण का भी सर्वनाश हो गया है, तीनों पुत्रों का दहन शुरू हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम सबका सौभाग्य है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हम सब के बीच में यहां पहुंचे। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहां पहुंचने पर द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से एवं तमाम क्षेत्र की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मैं आसुरी शक्तियों के ऊपर दीप चलाएंगे, रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुत्रों के ऊपर बोले जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम। आज यहाँ पे पूरे दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी राम भक्तों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आप सब लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा एक तरह से बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अभी आप लोगों ने देखा आपके सामने किस तरह से भगवान राम ने रावण का वध किया, उसी तरह से आज हमें अपने देश में अपने समाज में रावण रूपी शक्तियों का वध करना है। मुझे बेहद खुशी है हमारे दिल्ली के लोगों ने इस बार डेंगू का वध करके दिखा दिया, डेंगू पे हम सब लोगों ने कंट्रोल पा लिया। इस बार डॉक्टर कह रहे थे, एक्सपर्ट कह रहे थे कि डेंगू बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन पूरे दिल्ली में जो कैंपेन चलाया गया, पूरे दिल्ली में अभियान चलाया गया, अभी तक डेंगू पूरी तरह से कंट्रोल में है। इसी तरह से आप लोग इस अभियान का हिस्सा बने रहिए। एक महीना और है, 15 नवंबर तक होता है बस डेंगू, 15 नवंबर के बाद डेंगू की चिंता खत्म। दूसरा, अपने को पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना है, उसमें भी खुशखबरी है कि दिल्ली में पॉल्यूशन कम होना चालू हो गया, 25% पॉल्यूशन कम हो गया दिल्ली के अंदर 25%। अब अपने को दिवाली के ऊपर, छोटी दिवाली पे दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस में आपके लिए दिवाली मनाने का इंतजाम किया है। कनॉट प्लेस में छोटी दिवाली पे अपनी पूजा करके सारे जने पहुंच जाना, वहां बहुत भव्य स्तर के ऊपर लेजर शो का इंतजाम किया जाएगा। पर एक ही शर्त है, अगले दिन पटाखे नहीं बजाओगे। हम सारे जने मिलके दिवाली मनाएंगे, सारी दिल्ली मिलके कनॉट प्लेस के अंदर दिवाली मना...